गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने की प्रेस वार्ता, कहा वीडियो है गलत। जदयू के बड़ बोले विधायक गोपाल मंडल लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में हैं। दरअसल बुधवार को गोपाल मंडल और बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के बीच फोन पर हुई बातचीत थी, जिसमें गोपाल मंडल द्वारा जाति विशेष को गालियां दी जा रही थी। इसको लेकर आज नौगछिया जदयू ने भागलपुर के स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान गोपालपुर से जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने वायरल ऑडियो और वीडियो को गलत बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह ऑडियो इंजीनियर शैलेंद्र ने वायरल किया है, यह कैसा गठबंधन है। वहीं बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के खिलाफ दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल विधायक बनने के लिए मसल्स और दबंग होना चाहिए, रुपए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बिहार के दबंग हैं और हम क्षेत्रीय दबंग हैं। उन्होंने बातों ही बातों में यह तक कह दिया कि 6 महीने बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से हटेंगे और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। देखें वीडियो न्यूज अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। सबको समझाने वाला सेतने वाला मैं, ये खबर पर हम चले जाते थे। मैंने काम किया है भूमिहारों के लिए, मैंने काम किया ब्राह्मणों के लिए, मैं काम किया बेस्वाई के लिए। राणा जी आने के पहले जब हम थे वहां पर, निर्दलीय सिपाल नहीं थे, निर्दलीय चुनाव लड़े, हार गए जेल से। नहीं नहीं छोड़ दो यार, कितनों बोलेगा हम क्या बोलेंगे, जो वाजिब बात की वही बोलेंगे। आपने क्षेत्र का विकास, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जाति को जोड़ के चलते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री तो कमाल दिखाते हैं बिहार में, किसी जाति को नहीं छोड़ते हैं, उसी स्टाइल में हर जाति को लेके चलते हैं। भूमिहार को गाली देंगे, भूमिहार हमारा वोटर, ब्राह्मण हमारा वोटर, व्यवसायी हमारा वोटर, हम गाली देंगे उसको, किसके ऊपर कमांड करेंगे। ऐसे 4 बार हम चुनाव नहीं जीते। ऑडियो में जो गालियां सर दी जा रही, तो वो क्या है? की बात कर रहे हैं आप, किसको सहतने की बात कर रहे हैं? क्यों सहते, किसको सहतेंगे? वोटरों को सहता जाता है, वोटरों को सहता जाता है। अगर सहतना हुआ सहते तो हम अपने समुदाय को, मंडल को उनका राइफल पैक करवा दिए। मार खाता हमको खाता है, अभी भी उन दलों के लोग लाठी से, दो ठो मर्डर तो कर दिया मंडल का, लाठी से मार रहा है। 6 महीने के बाद नीतीश कुमार हटेंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए अभी भी जिस टाइम में बढ़त दे रहा था, उन लोगों का राइफल बंदूक बैरल साफ कर रोड पर आ गया था, फायरिंग करेंगे, फायरिंग करेंगे। सर आपको गुस्सा कब आता है, सही बात पे या गलत? अरे भैया उचित बात पर, गलत बात पर क्यों गुस्सा आएगा, परहेज कर लेते, अब तो बोलना भी नहीं चाहते हम तो। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या आपसे ये पूछा गया कि आप किसको सहतने की बात कर रहे हैं? अरे हम ये बोले कि हम अपने जात को सहते, हमारा भी जात कुछ विरोध में रहा, हम अपने जाति का राइफल बंदूक रखवा दिया, और किसको, भूमिहार को सहतेंगे, ब्राह्मण को सहतेंगे? लेकिन उसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर सहतने की बात की, हमको बात हुआ मित्रवत, अब ये नहीं जाने को वायरल कर देगा, क्या गठबंधन कर लोगे? जिनके लिए मैं बलिदान देकर अपने आदमी को हरा कर उनको जिता दिया, वो वायरल करता है पूरे बिहार के वर्ग, उन अपने वर्गों से गाली सुनवाता है, कहाँ कहाँ से थ्रेट किया जाता है हमको, बेगूसराय से, लखीसराय से, बिहार के कोने कोने से, रात में हम सुतने नहीं दिया है, अभी भी फोन आया रिसीवर नहीं करते हैं, अब गालियाँ देता है सीधे, इधर से जाओगे ये कर देंगे। भैया तुम बोलिए ना, कहाँ बुलाते हैं, वही अब चाय पिलाइएगा हम जाएंगे। इंजीनियर शैलेंद्र ही वायरल किए, हम वही किए हैं, आप लोग भी क्लास लीजिएगा, क्या गठबंधन है ये कह के लोगों में, और हमको जो वोट दिया है चौथी बार लीड करा बिहार जदयू पार्टी में, बिहार के अंदर जितना वोट हम लाए हैं उतना जदयू किसी को नहीं आया है। हमको तो पहले हल्ला किया सिंबोली ने मिलेगा, उसके बाद हल्ला किया कि जीत ये नहीं पाएगा, तीसरा स्थान में है लोजपा, इनके टक्कर में है, आरजेडी जीत रहा है। हम एक ही व्यक्ति बोलने वाले, हम 25,000 से जीते, सिंबोल देने के पहले भी मुख्यमंत्री को बोले 25,000 से लीड करेंगे सर, जाइए ना 5 वोट से जीत गए ना। और शैलेंद्र इंजीनियर को जीता के आगे मुख्यमंत्री को बोल के आए थे, आप लोग अगर होंगे साहो पर्वता में तो सुनेंगे हमारा भाषण, हमारा प्रचार कम शैलेंद्र जी का ज्यादा, मैंने प्रचार किया है। हम ये बोले अति पिछड़ा लालू यादव को नहीं पूछते हैं, काहे बोल बकते आप अपनी बात कहिए ना, हम अपनी बात तो बोलिए, तो काहे भाई उसका आते हैं, हम कुछ नहीं बोले, हमारा छोटा भाई है, वो घूम फिर नहीं किया, समाज के अंदर गया नहीं, इसलिए हार गए, हम क्यों बोलेंगे उनको, हम जानते हैं तकने कभी भेंट नहीं किए भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष है जिला अध्यक्ष। अगर आपने कहा नहीं तो फिर वो वीडियो वायरल कैसे हुआ और ऑडियो वायरल कैसे हुआ?
अब आप लोग भी गुना भाग करते हैं। और एक बात सुनो, बता दें, हम अपने खगड़िया लोकसभा सीट सबसे पहले डॉक्टर भीमला राय जी गुजर गए, भाजपा से लड़े थे, और मैंने उनका प्रचार किया। रामशरण यादव से तख्ता हिलता था, उनके घर तक प्रचार में मैं गया। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव बाबू शकुनी चौधरी लड़े वहाँ। सीधा सा सवाल का सुनिए, सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए। देखिए भाई, शैलेंद्र इंजीनियर जी हमारे छोटे भाई, बड़ा भाई उनको मानते हैं, और उनको मैंने जिताने का काम किया है। तीन रात अपने ममेरे भाई बोलो मंडल को उनके खिलाफ प्रचार करके, तीन रात उनको दो रात लेके एक बार अकेले एक रात मंडल समाज को हम तोड़ने के लिए। तो नागरिक अभिनंदन हमारा व्यवसायी लोग मना है तो उनको आमंत्रित किए, उनको नागरिक अभिनंदन मनाना चाहिए, कहाँ मनाना चाहिए, बिल्कुल में हमको बुलाते हैं। तो नागरिक अभिनंदन मनाए भाजपा कार्यालय नवगछिया, उसमें मनाने में जो हमारे एंटी में चुनाव लड़ा, जो हमारे एंटी में प्रचार किया उनके साथ में, उनका हम यही बोले, शैलेंद्र भाई क्यों नागरिक अभिनंदन मनाते, आप वहाँ मनाते तो हमको बुलाते, दोनों का बात बैठता, यहाँ क्यों मना रहे, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं भैया, तो नहीं जाने छो, तो कन्फ्यूज छो, बहुत कुछ बोले फोन पर, कोई लड़का दूसरे फोन से हमको लगा दिया कि विधायक जी की कहना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए भाई, शैलेंद्र जो छोटो भाज के हेलो हेलो बात करी छे, उसका दिया छोड़ दीजिए सर बात, हम किसी को गाली गलौज नहीं किया। अब हम एमएलए बन गए इतना जद्दोजहद के बाद, और ऐसा हमारा क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति है, अगर बोली मुँह से छीन लेगा वो जिंदा नहीं छोड़ेगा वहाँ का लोग। हमारा ये कहना है, हम थे गहवन, हम हरियाणा नहीं बन सकते हैं, हमारी माँ बहने सब, और जब आंगन लिपती थी ना कच्ची आंगन, वो सर्फ हरियाणा साफ निकलता था, छोटा छोटा बच्चा से दौड़ते हुए उस पर, जगतपुर हम बचे गए। वीडियो में सर आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए मसल्स पावर और दबंग होना जरूरी है, आप चुनाव कैसे जीते? तो मसल पावर है हमको, जगह पर का हम दबंग आदमी हैं, हम बिहार का दबंग नहीं है, बिहार का दबंग आदमी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी है, लेकिन क्षेत्रीय दबंग हमें कोई किंतु परंतु नहीं, जिसके मुँह में बोल नहीं हो, जिसका चेहरा संस्कारहीन हो, जिसके पास रुपया नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो क्या चुनाव जीतेगा? भाजपा सर आपसे गठबंधन में है और उनके प्रत्याशी जो भागलपुर से रोहित पांडे हैं उनको लेकर आपने कहा कि उनके मुंह में बोली नहीं है। ये नहीं, ब्राह्मण है, टिक वाला है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, तू हमारा छोटा भाई है, हमारा कहने का मतलब कहीं उनके खिलाफ बयान नहीं दिए है कभी, हे मालूम उधर ब्राह्मण होकर छिपे हुए हैं, उनको भी लाना चाहिए। सब हमारे ये हरिराम बाबा जो है मिश्रा जी, इनको नहीं रहा गया, तब इन्होंने प्रेस करो, हमने आ रहे थे, हमको बुला के लाए जयप्रकाश महंती हमारा प्रचार करने वाले, ये यहाँ पर हमारे जदयू के अध्यक्ष जाम में फंस गए हैं, विनोद मंडल जी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, यही कहे हैं ये बाबा संगमत हो जाइए, फिर बात करें हमारे सब है, तो ये सब कहानी है। हम उनको रोहित पांडे को कुछ बोल भी नहीं दिया, बातों बात में ये हो गया, तुरंत मालो गए हुए थे बरारी के जितने भी जादव हैं, हर जात तो देवे करते हैं, जादवों देते हैं क्योंकि मुस्लिम बगल में है, तो जादव उनको वोटिंग करते हैं, कोयला घाट का भले नहीं थे लेकिन वो घूमने के लिए गया ही नहीं, अगर एक बार घूमने के लिए चला जाता या कभी हमको टोक लेता, 35,000 मंडल है यूनिवर्सिटी से ले किनारे किनारे, और हम फतवा जारी कर देते अति पिछड़ा और मंडल समाज का मैं नेता हूं, कई जिलों में हमारा वर्चस्व है, जो कहते हैं भले कोई एमपी बन जाए लेकिन मंडल अति पिछड़ा का नेता उत्तरी बिहार में गोपाल मंडल है, इसको अहंकारी सब बोलिए जो बोलिए, वो लगा बजा के थोड़े बोलिए, नशा होता है कि जब पांच आदमी चाय पर बैठे, नशा हुआ पत्रकार लोग बैठे हुए पांच में बैठे, हमको बेकार गया, बेकार का नशा आ गया, तब तेवर में बोलना शुरू कर दिए, तो नशा इसमें अगर जब तक समाज नहीं सुधरेगा, समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक नशाबंदी नहीं हो सकता, इसको दे दिया तुल नीतीश कुमार को औकात नहीं है नशाबंदी, ये कहीं बोलने का बात है, अब बैरल कर दिया, यही चलाते रहा,
क्या क्या बोले, कितना सुंदर भाषण दिए, वो खत्म कर दिया। ये देखिए भाई, कोई सवाल तवाल खड़ा नहीं किए थे हम तो कोरोना समय काल में, मुख्यमंत्री MLA लोगों से नहीं मिल पाया, हम लोगों को समय नहीं दिया, नहीं तो जिला के बारे में पूछते थे कहाँ से क्या सीट है, वो अपने मन से करते, लेकिन पूछना जरूरी था, सबको बुला के पूछते थे। तो कोरोना के समय काल में मिले नहीं, फोन पर वार्ता हुई। और रोहित पांडे जी है, ये है छोटा भाई है, मैंने हमारे भाजपा के लोग कोई हमसे मिला नहीं है, ना फोन पर बात की। प्रधानमंत्री आ गए ना, इनके मन में हो गया हम चुनाव जीत, भेंट करना पब्लिक से कांटेक्ट जितना राजेश वर्मा घूम फिर किया ना उतना सही कर लेता, तो रिजल्ट कितना से चुनाव हारा है, अजीत शर्मा कितने से जीता है, कम वोट से, इसको शिक्षा दीक्षा कौन देगा। भारतीय जनता पार्टी का जो भी अध्यक्ष रहे हैं उससे रूह कामता था प्रशासन का, SP हो चाहे जो हो, DM हो, अभय बर्मन भी रह चुका है, देखे होंगे तेवर उनका, हम भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष गोपालपुर का रह चुके हैं, उसी सैदपुर में अभी निकेत जी मौजूद है, कोर्ट मतलब 14 लड़का को पकड़ के ले जा रहा था, वहीं पर हम कोर्ट उतरवा के और बोले केस नहीं चलेगा, और कोर्ट लगवा कर गुलाबी चाचा के दरवाजे पर 14 व्यक्ति को निकाल नहीं जाने दिए, कोर्ट उतरवाना साधारण बात है।